में कांच का पलटना 3/2 है, 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, थ्री इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या देख रहे हो जी, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए शिल्पा ने भी पूछा कि अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसी जो क्वेश्चन है इसी सूत्र पे आधारित है, ठीक। जैसे इसमें ये क्या होता है कि किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का, तो कांच का चाल कहाँ पे हो जाएगा, नीचे। तो दूसरा माध्यम क्या है, हवा है ना, वायु है, तो उसका चाल कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर, बताए थे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ANG मतलब ए से क्या हो गया एयर, जी से क्या हो गया ग्रास, BA/BG। तो अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है, और BA का मान दिया है 3 × 10^8 दिया है, किसका निकालना है, बीजी का मान, ठीक है। तो क्या हम 3 से 3 को कैंसिल करा सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BG = 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। गया सही में, जब चाल दिए जाएंगे तब हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए, पूछिए, ऐसे समझ में क्या, और हम केवल क्वेश्चन बता रहे, पूछिए क्या समझ में नहीं आ रहा। कैसे पता चलेगा कि V1, ये पूछ रहे हैं। देखिए हमने आपसे अभी बताया कि पूछ रहा है किसका अपवर्तनांक बैठ जाइए, किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का, ठीक है। तो जब भी जिसका अपवर्तनांक निकालना रहेगा इस सूत्र में और इस सूत्र में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें और इसमें, जिसका अपवर्तनांक निकालना रहेगा उसको कहां पर रखेंगे, तो किसका निकालना है, कांच का ना, तो उसको कहां पर रखेंगे, नीचे। तो एक का दूसरा माध्यम क्या है आपका, हवा है ना, हवा ऑटोमेटिक कहां पे जाएगा, इसमें भी सेम चीज है, ठीक। इसमें क्या है कि अगर जिसका अपवर्तनांक निकालना होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक कहां पे रख देंगे, ऊपर, जिस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन भी लिखवाया था, कराया था इसमें 1.50 वाला, कोई दिक्कत है अब बताइए, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में जो नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन ये है आपका कि 30 डिग्री है और ये क्या है 45 डिग्री, ठीक। तो अब बताना है जैसे कि हवा है, वायु, और ये क्या है, जल, ठीक है। तो आपको जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि RI निकालना है, क्या निकालना है, RI। ज्यादातर हम लोग शॉर्टकट का यूज करेंगे क्योंकि जब आप आफ्टर 10, 11, 12 के पास करें, इनसे काफी लोग होंगे जो ये सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं, ठीक है, कौन कौन सोचता है, डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, और कोई,
मजदूर बना हुए हैं। सही है, चलिए तो ये जो शॉर्ट कट्स है ठीक, ये आपके उस टाइम काम आएंगे आफ्टर प्रेयर जब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द आरआई ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जल का आरआई निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। अब फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर यानी कि वायु, सेकंड मीडियम इज वाटर यानी कि जल। मीडियम का मतलब क्या होता है, तो इसका एंगल आई बना रहा है 30 और एंगल आर बना रहा है 45 ठीक। तब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल चीज है क्योंकि यहाँ पे एंगल होता है बाकी सब में एंगल नहीं है। अब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एन इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 45 ठीक। अब देखिए साइन 30 और साइन 45 समान, साइन 30 समान होता है बड़ा दो और 45 समान होता है बड़ा कर्डियन दो, ये आप लोगों को क्लास 10 में त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाए ठीक है मैथ्स में ठीक। अब इसका जो डेसिमल में दिया है, डेसिमल में दिया नहीं है तो सिंपल तरीके से सकते हैं, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 45 का 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कार्डियन में 2/2 ऐसे आएगा, तो ये कट जाएगा कितने बार में, कड़ी में 2 बार में आया ना, कटेगा ना, ये मत कटाओ। कड़ी में 2 का मान होता है 1.414 बटा में कितना हो गया 2 भाग दीजिए 2 × 7 = 14 यानी कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 0.707। कब, जब ये एंगल इस तरीके से रहेगा तब, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन किसी कोई दिक्कत कर रहा है, वही हाँ है ना, समझ में आ गया, इधर कुछ आवाज नहीं है। आप लोग मूवी देखते हैं, हम कपिल शर्मा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आप लोग बोलिए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। हवा से किरण जा रही है जल, तो इसके बीच जो अभिलंब बन रहा है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में साइन आई बनता है और यहाँ पे आर बनता है ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, साइन 30 / साइन 45, साइन 30 का मान 2 होता है, 45 का मान 2 होता है, ये चला गया ऊपर, कड़ी में 2 का वर्गमूल होता है 1.414, 2 से भाग देने पर कितना आ गया 0.707 ठीक है। कोई दिक्कत, साइन 30 अंश का मान ही होता है 1/2 ठीक है। जब आप त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हाँ भाई, क्या आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है, कल आप आई थी, आप कई दिनों से नहीं आ रही, जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई हो, ये रिक्वायरमेंट है, कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला ठीक है। जब दोनों माध्यमों में एंगल दिए गए हो, कोण दिए गए हो, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। जब दोनों माध्यमों का हवा के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हो, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आकाश यूज करते हैं ठीक है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, ये वाला समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन आपको बनाऊं, देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है। चलिए इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर दिखाइए ठीक है, बहुत जल्दी पता है कि आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे अभिलंब दिया है, तो कुछ दिया ही नहीं दिया है, बना देते हैं। तो हमें पता है कि अभिलंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, इधर से भी और इधर से, तो
इसमें 135 है तो 135 को एमएसएफ 90 को निकाल दें, कितना बचेगा? 45। यानी कि आई का मान कितना हो गया? 45। और ये भी तो 90 होगा, इसमें से 90 घटाएंगे तो कितना हो गया? 30। यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा? 30। कोड दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये साइन 45 बटा साइन 30। 45 का मान 1/40 में 2, 35 का मान 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2/40 में 2। तो 2 का मान कड़ी में 2 से 2 को कटाएंगे कितनी बार में जाएगा? कड़ी में 2 बार। ये आपको क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे परिमेयकरण, ठीक है? तो कड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.414। क्या हुआ शुभ? समझ में आया? इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझा। ये टोटल दिया है यहाँ से यहाँ तक 135, ठीक है? 135 में से 90 को हटा दोगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। यहाँ पर 120 दिया है, 120 में से 90 को हटा दो कितना बचेगा? 30। तो साइन 45 बटा साइन 30 लिखा गया है। तो साइन 45 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला गया, तो कड़ी में 2 से 2 को हटा देंगे कितना बचेगा? कड़ी में 2। आंसर कितना आ गया? 1.414। देख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक क्या बोल रहे लेकिन फिजिक्स में ये आप काम कब कर सकते थे? जब आप सीबीएसई बोर्ड का मैच करती तब आप उसको रूट में लिख सकते, लेकिन यूपी बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके डेसिमल एक्सपेंशन को निकालें, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड में सीधे दे देगा, एनसीईआरटी आप देखेंगे एनसीईआरटी में सीधे दिया, लेकिन यूपी बोर्ड में कभी भी उसको अंडर रूट में नहीं दिए, उसको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दे, ठीक है? तो आज की क्लास यही तक, तो आप मैच पढ़ लीजिए, कल इसमें का और क्वेश्चन मतलब ट्यूजडे का है, क्योंकि कल तो फंडामेंटल चैप्टर का, ठीक है?